वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। हमें बड़ी तादाद में दर्शकों के मेल आए हैं जिन्होंने लिखा है कि हमारे ब्रेस्ट की साइज काफी छोटी है, उसको बड़ा करना चाहते हैं, कौन सी क्रीम या कौन सा लोशन आप सजेस्ट करेंगे जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा है, वैसे तो मैं इस पर एक सीरीज करने वाला हूँ, ब्रेस्ट कैसे इन्हेंस किया जाए, इसके लिए क्या खाना है आपको, क्या एक्सरसाइज करनी है, साथ में क्या अप्लाई करना है, ये सारा एक डिटेल्ड सीरीज हम बहुत जल्दी इस पे करेंगे। तो चलिए आज मैं आपको बनाना सिखाता हूँ एक ऐसा लोशन जिससे मसाज करने पर कुछ ही दिनों के अंदर आपकी ब्रेस्ट की साइज इंक्रीज होने लगेगी। इसको बनाने के लिए ये मेरे पास 2 चम्मच मेथी दाना है, इसको मैंने लगभग 200 ml पानी में रात भर भिगो कर रखा है। ऐसे ही ये 2 टेबल स्पून सौंफ है जिसको मैंने 200 ml पानी में रात भर भिगो कर रखा है। इसके साथ ये कॉड लीवर ऑयल है मेरे पास, ये सौंफ है जिसको हम फ्राई करेंगे कॉड लीवर ऑयल में, हल्दी है, ये मेथी दाने का पाउडर है, मेथी दाने को हमने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके पीस लिया है, ये प्याज का फ्रेश रस है, प्याज को ग्रेट करके और छान लें तो उसका प्याज का जूस है, ये हनी है मेरे पास। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कॉड लीवर ऑयल 1 चम्मच और इसमें ये 2 चम्मच के लगभग सौंफ डालेंगे। इसको हल्का सा लाल हो जाने देंगे हम। कॉड लीवर ऑयल आपको किसी भी मेडिकल की शॉप पे मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये सौंफ का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। जब ये पूरी रेड हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ये जो मेथी दाना हमने भिगो के रखा था पानी, ये पानी सहित ही हम इसमें डाल देंगे और मेथी दाना भी डाल देंगे और इसके साथ ही ये जो सौंफ को हमने भिगो के रखा था ये सौंफ सहित ही ये पानी भी। और अब हम इसको तब तक रिड्यूस करेंगे जब तक कि ये 1/10 ना रह जाए, तो लगभग ये 40 ml जब तक नहीं हो जाता है तब तक हम इसको पकाते रहेंगे और उसके बाद स्ट्रेन करेंगे। इसको धीमी आंच पे इसको पकाना है, 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो ये आप देख सकते हैं, आप रिड्यूस हो चुका है और जितना भी मेथी का और सौंफ का एक्सट्रैक्ट था वो सारा पानी में आ चुका है। आप ये पानी का कलर देखेंगे तो एकदम कलर चेंज हो चुका है और कॉड लीवर ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, फ्लेम को बंद करके इसको स्ट्रेन कर लेते हैं यानी कि छान लेते हैं। ये जो हमारा एक्सट्रैक्ट तैयार हो गया, अब इसमें हम मिलाएंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में 3/4 टीस्पून ये मेथी दाने का पाउडर है और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच प्याज का फ्रेश निकाला हुआ रस। और साथ में इसमें मिला देंगे हम 1 चम्मच शहद। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप चाहें तो इसको किसी ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड भी कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए। और ये जो अब हमारा लोशन तैयार हो गया है, अब इससे कैसे मसाज करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको हाथ में लेना है आपको और हाथ में लेने के बाद जो आपका राइट ब्रेस्ट है उसमें क्लॉकवाइज आपको मसाज करनी है, लगभग 15 मिनट तक 300 बार आपकी मसाज हो जाए। और इसी तरह से लेफ्ट ब्रेस्ट पे एंटी क्लॉकवाइज आपको मसाज करनी है, ये भी लगभग 15 मिनट तक 300 राउंड कम से कम होने चाहिए। और ये मसाज करने के बाद आपको 1/2 घंटे के लिए ये लोशन को लगे हुए छोड़ देना है। आप कोशिश ये करें कि जब आप मसाज करें तो ये जितना भी इसका लिक्विड है वो सूख जाए, उसके बाद 1/2 घंटे तक इसको छोड़ देना है और बाद में पानी से अपने ब्रेस्ट को धो लें। ये प्रयोग आप करें, पहले महीने में कुछ खास अंतर नहीं दिखता है लेकिन दूसरे महीने के बाद से आपको अंतर दिखना चालू हो जाएगा और तीसरे महीने में आपकी ब्रेस्ट की साइज प्रॉपरली इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो था ना बिल्कुल आसान सा तरीका, बस इसको बनाइए और अपने ब्रेस्ट की साइज बढ़ाइए। बाकी हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं और हमारे मकसद में हमारा साथ दें। हमारा मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोग घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।